नमस्कार, मेरा नाम है अमित। सरकार द्वारा जब भर्ती के लिए विज्ञापन निकाले जाते हैं तो उसमें तलाकशुदा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था होती है। नोटिफिकेशन में सामान्यतः ये प्रावधान होता है कि डिवोर्स कैटेगरी में रिजर्वेशन क्लेम करने के लिए कोर्ट का आदेश या डिवोर्स की डिग्री सबमिट करने पर ही डिवोर्स कैटेगरी में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सपोज करें, अगर डिवोर्स के लिए कोर्ट में अप्लाई तो कर दिया लेकिन कोर्ट से डिवोर्स का ऑर्डर नहीं हुआ है, या यूं कहें कि कोर्ट से डिवोर्स की डिग्री प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि कुछ जातियों में कस्टमरी डिवोर्स एप्लीकेबल है, तो अगर कोर्ट से डिवोर्स का ऑर्डर नहीं हुआ है लेकिन समाज के स्तर पर डिवोर्स हो गया है, तो क्या इन परिस्थितियों में डिवोर्स कैटेगरी में महिलाओं को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा? इसी इश्यू से रिलेटेड ये टॉपिक है, तो चलिए डीप डाइव करते हैं इस इश्यू के बारे में सब कुछ जानने के लिए। तलाकशुदा कैटेगरी में महिला रिजर्वेशन की हकदार कब होती है, इस संबंध में भर्ती के विज्ञापन में ही दिशा निर्देश दिए गए होते हैं। कुछ भर्तियों में ये कंडीशन होती है कि आवेदन करने की अंतिम तारीख तक कोर्ट से डिवोर्स हो जाना चाहिए, तथा कुछ रिक्रूटमेंट्स में ये कंडीशन होती है कि महिला कैंडिडेट जो कि तलाकशुदा कैटेगरी में रिजर्वेशन क्लेम करना चाहती है, ऐसे कैंडिडेट्स रिटन एग्जाम या इंटरव्यू के अंतिम परिणाम की घोषणा से या घोषणा की तारीख से पहले इसका लाभ ले सकते हैं। सो भर्ती के विज्ञापन में डिवोर्स की जो डेट दी जाती है उसी डेट तक डिवोर्स हो जाना चाहिए। सपोज अगर एडवर्टाइजमेंट में ऐसी कोई शर्त नहीं है और उस पद की भर्ती से संबंधित नियमों में भी इस संबंध में कोई नियम नहीं बनाए गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आवेदन करने की अंतिम दिनांक तक डिवोर्स हो जाना चाहिए। महिला अभ्यर्थी अगर किसी ऐसी कास्ट से आती है जिसमें कि सामाजिक स्तर पर किए जाने वाले तलाक को मान्यता प्रदान की गई है और उस महिला ने कस्टमरी डिवोर्स समाज के स्तर पर नौकरी के लिए आवेदन की अंतिम तारीख से पहले ले लिया है, तो क्या तलाकशुदा महिला को मिलने वाले आरक्षण की वो हकदार होगी? इस संबंध में लीगल पोजिशन बिल्कुल सेटल है कि उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आवेदन की अंतिम दिनांक तक कोर्ट से डिवोर्स की डिग्री नहीं मिली है। कस्टमरी डिवोर्स ले लेने मात्र के आधार पर ही वो तलाकशुदा महिला की कैटेगरी को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ नहीं ले सकती है। महिला अभ्यर्थी जिसने कि म्यूचुअल कंसेंट से अगर डिवोर्स के लिए कोर्ट में आवेदन कर दिया है लेकिन भर्ती के लिए फॉर्म भरने की आखिरी डेट से पहले तक कोर्ट से उसे डिवोर्स नहीं मिला है, तो क्या ऐसी परिस्थिति में उस महिला को तलाकशुदा महिला की कैटेगरी में दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ मिलेगा? म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स के मामले में एक तर्क जो सामने आता है वो ये है कि डिवोर्स तो होना तय है क्योंकि दोनों पक्षों ने इस संबंध में सहमति से तलाक याचिका पेश की है, तो ऐसी स्थिति में उस महिला को तलाकशुदा कैटेगरी के आरक्षण का लाभ दे देना चाहिए। लेकिन कानूनन ऐसा नहीं किया जा सकता। पारस्परिक सहमति से डिवोर्स का केस फाइल कर देने मात्र से ही आरक्षण का लाभ लेने का अधिकार या हक नहीं मिलता है। ये तभी मिलता है जब कोर्ट से डिवोर्स की डिग्री पास हो जाती है। अगर डिवोर्स पिटीशन कंटेस्टेड है, यानी एक पक्ष डिवोर्स के लिए आवेदन लगाता है और दूसरा पक्ष उस आवेदन का विरोध करता है, तो ऐसी स्थिति में भी महिला को आरक्षण का लाभ उसी परिस्थिति में मिलेगा जब कोर्ट से डिवोर्स की डिग्री आवेदन की अंतिम दिनांक या विज्ञापन में दी गई कंडीशन की डेट तक मिल गई हो। सो अगर तलाकशुदा कैटेगरी में मिलने वाले आरक्षण का लाभ लेना है तो विज्ञापन में दी गई शर्तों को ध्यान से देख लें और जिस पोस्ट के लिए विज्ञापन निकला है उससे संबंधित नियमों में तलाकशुदा महिला को आरक्षण कब कब मिलेगा इससे संबंधित नियमों को ध्यान से देख लें, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि तलाकशुदा कैटेगरी में आरक्षण का लाभ किस डेट से मिलेगा।
सो इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। यतो धर्मस्ततो जयः।